हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी देखिए मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, खाना भी नहीं बनाई हूँ, सारा घर को धोऊंगी क्योंकि गर्दा के चलते ना दोस्तों मेरा इतना कल से हालत खराब है, पूरा देखिए गर्दों से घाव घाव भी आ जाता है जब उन ज्यादा डस्ट पे डस्ट बैठा जाएगा तो, और इतना छींक कि पूछिए मत। तो आज सोच रहे हैं ना रजाई को पूरा बाहर निकाल कर इसको लबेदा से पीटेंगे, जितना सारा गर्दा है निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा मैं डेली डेली बेडशीट चेंज कर करके मैं थक गई हूँ धो के। देख सकते हैं इतना गंदा है ये, लेकिन क्या करें, इसका खोल खरीद के लाएंगे, इसका तो खोल सीएत है तो ठीक है, बाकी इसको धो देंगे और चलिए इसको बाहर निकलवाते हैं। मानसिक पापा से सुनता नहीं है ना, हाई निकालम उठाए भाई रजैया ले जाकर चौकी पर रखे, साइड में हटो बेटा, वही उठाई वही ले जाए चौकी पर के, देखिए तो क्या हाल है, ले जाए चौकी पर रखें, तन घामा रखे आसानी खान तोहरा का रूपा के ऐसन भातार हम तर गए। देखिए दोस्तों कैसा बोलते हैं गाना का पापा क्या कर रहे हैं, निकाली बाहर, काम कर रहा हूँ बेटा, हटो हटो हट जाओ, देख लाइट में माय हो गिरम जान चौकी पर रख के आई, कितने बजा रहे हैं हमको ना मम्मा, पापा सिक्का तोड़ रहे हो, सिक्का नहीं तोड़ रही हूँ, सब कागज पत्र ये मेरा पायल का तो ये निप्पल का मन से बेटा प्लास्टिक रखे है हम राइट का, ये पकड़ो ये बिजली बिल का पैसा जमा कर दिए थे, ये बेरा है हटो बेटा, जैसे बंद कर दो, देख सकते कितना गंदा है इसलिए ये भी चुप किया है ना, इधर देखो पापा इधर ना चूहा काट दिया है दोस्तों सारा, देख सकते कितना खराब दिख रहा है, चौकियों को धो देंगे, पापा का नाम इधर पापा का फोटो है, ले जा भाइयों राजा जी के ही ले जाए पहले चूहा काट लो, कोटिया से ना चूहा, हाँ क्या चिल्लाता रहा बके जी, हाँ भाई सरप्राइज है, देखिए हम नाते हैं भाई, हाँ भाई हो इतना नीचे जरूर तहार का होगा, हाँ हमें भूल गए होंगे दोस्तों, हमसे लड़ने लगते है तुरंत, कहते कि ना ना रघु जानता था हम लेके जाना था रघु ले बनी ए और झारे में अच्छा से होगी, अब बताइए यही रखी यार कहाँ कहाँ, अम्मा हम तो बहुत खुश हो गए दोस्तों, सब राइस मिल गया अम्मा, अभी वो पापा आएंगे तो लाइट उधर साफ करेंगे पापा, तो बहुत खुश है, पैसा 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 मिल गया, पैसा 500, अभी ये फोन में रखेंगे अपना, चलिए चौकिया को पूछेंगे, बहुत स्मेल अजीब वाला बदबू आ रहा है, बदबू पैसे जा रहे हैं ना, उसको पिटवाना है दोस्तों, थोड़ा सा भी चौक नहीं है, ये एक भी हथियार हमारे घर में नहीं है, खरीदना एक दो और भल्ला, तो चलिए इसको अच्छा से साफ करवाते हैं, मानसिक पापा से सरफ मंगाएंगे, सरफ नहीं है, इतना ज्यादा हम कपड़े धोते हैं, इतना ज्यादा बेडशीट सब कुछ सरफ ही खत्म हो जाते है, एक के जी आता है और तन साफ कर हम सुना, हम 500 रुपया ही हमारा मत छीने, 10 पार्टी ले कहा कर लोग रहुए जानता नहीं, चलिए उठाई शांति ये दोस्तों कैसे हो गया है, पूरा अच्छा से साफ कर ओकरा के रख दे मुंह में हूर दे लिया, सी देनी ओकरा के कपड़ा लगा के रजाई लेके घमा रखने है ना चौकी पर, ठीक है कहां है कहां रखे वो ले जाएं, उन्हें रख के फेंक दे उन्हें हूर के दाग के सी दे, चौकिया धो दे पहुंच दे पहुंच दे, हाँ धोन तो चलिए चौकी को पहुंच देते हैं, हम सोच रहे घर और पेंट को दे ले, बहुत खराब लोग दिवाली पर पहले जाते अच्छा, चलिए इसे पहुंच देते हैं। तो अभी दोस्तों सारा घर को काजल धो रही है बढ़िया तरीके से, सरफ डाल के और बाल्टी वगैरह भी धो रही है क्योंकि हर 4-5 दिन में धोते ही हैं हम लोग ऐसे, और आज इसका बेड क्या है बोलते हैं इसका गद्दा भी उधर सुखा रहे हैं क्योंकि गर्दा की वजह से हमारे पुतुल का छींक हो जा रहा है,
एलर्जी होता है काजल को, आटा भी चलती है तो छींकने लगती है। क्या हुआ बेटा? बूम बूम बूम। बोलो हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। तो फ्रेंड देख सकते हैं अब घर कितना अच्छा लग रहा है। मंच बेटा उधर नहा रही है, बॉक्स को खाली ठीक करेंगे सारा सामान नीचे रख के, और ये धोने वाला है और ये भी धोने वाला है। तो चलिए सेट करके घर को और हम भी नहा धोवा के मिलते हैं। थोड़ा मजाज हल्का लग रहा है, बस यही थोड़ा को अच्छा नहीं दिख रहा है। मंच पापा आते हैं तो पूछवाते हैं क्योंकि हमको लाइट से बहुत डर लगता है। तो चलिए सफाई वही कर लेते हैं, मंच पापा से बाहर झाड़ू लगवाएंगे क्योंकि हमको छींक आने लगा है। और मौसम बहुत प्यारा हो गया, अभी ठंडा ठंडा मौसम हो गया। तो कढ़ी चावल बनाएंगे और चलिए नहा धो के मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड अभी हम नहा लिए हैं और गला धो के नहीं नहाए, यहाँ से नहा लिए हैं। और मंजू बेटा भी नहा लिए, थोड़ा सा बेड बिछा दिए हैं, बाल वाल नहीं बनाए हैं अभी, बेटा का भी बाल वाल बनाएंगे। तो सिंदूर उन्दूर छुआ लिए हैं, सिंदूर पता नहीं पटोरा खोल रहा है वो लोग। हाँ देख सकते हैं मुझे धोना है कपड़ा, गए हैं मंजू के पापा चम्मच धो के वहीं रखे थे नहा रहे थे, गए हैं सरफ लाने। तो आते हैं तब तक मैं खाना चावल बैठा देती हूँ, कढ़ी बनाना बनाती हूँ। मंजू बेटा को भूख लगा है ना। तो फ्रेंड अभी देखिए मैं कढ़ी बनाने के लिए ना उसमें डाल दी हूँ सारा कुछ, सूखा मिर्चा हरियर मिर्चा और लहसुन, और इधर पकौड़िया बड़ी तल रहे हैं, और ये बेसन है इसमें ऐड की हूँ। अब चलिए इसमें हल्दी नमक और बेसन ऐड कर लेती हूँ, कम लग रहा है एकदम, बिल्कुल कम लग रहा है। और बेसन नमक हल्दी ऐड कर दूंगी। तो देख सकते हैं हमारा वो ब्राउन हो चुका है, उसमें आप ऐड कर देंगे ये बेसन और पानी और नमक हल्दी। और घर हमारा सूख ही आया है क्योंकि हवा चल रहा है। चलिए ऐड कर देते हैं बेसन, हो गया हो गया देख सकते हैं। चलिए ये बड़ी को ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी हमारा खाना बन के रेडी, कढ़ी और चावल, और ये हमने मर्चा भूजा है बेसन में लपेट के, बहुत टेस्टी लगता है। नमक में भी लपेट दिया है, ऊपर से नमक रहेगा तो और अच्छा लगेगा। और चलिए खाना निकाल कर हम खा लेते हैं, मानसू खिला देते हैं। पता नहीं मानसू पापा कहाँ गए हो, उसी टाइम से नहीं आए अभी तक। तो चलो हम बेटा जी को खिला देते हैं, दिखा क्या करें। बेले ना बेले कहीं कॉल जा रहे हैं दोस्तों, उनका वही काम है, कोई ना पता ना कहाँ कॉल जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम खाना खिला देते हैं, हम भी खा लेते हैं। तो दोस्तों सुबह से ना काम करते करते थक गई हूँ, भूख बहुत जोर से लगे, 11:15 हो रहा है। आजा बेटा, अब भी थक गई, आजा आजा खाना खाना। कहाँ जा रही हो ललन? बड़ी मामी घर। मैं भी आऊंगी जल्दी, ठीक बेड लगा के। ठीक है, एंजॉय करना, ठीक है। और क्या गिफ्ट दोगी भैया को? पता नहीं, भैया का बर्थडे है तो गिफ्ट नहीं दोगी? दूंगी अभी। ठीक है ठीक है, जाओ। तो दोस्तों अभी मानसी गई अपने बड़े पापा के घर पर, मुझे भी बोले थे कि चलो, तो सूजे की बोल रहे थे कि बोले कि रुकी चले आओ तो नहीं हम काम बड़े बताओ, और बिछानवा या लगा दे सनी हम कैसे की ना। दोस्तों देखिए बादल कितना घेरा है, बारिश आ जाएगा, आ जाए बाहर है, तो सोचे कि आप जाइए लेके मानसी को, तब तक हम बेड लगा के आते हैं जस्ट अभी। तो चलिए फटाक से बेड लगा देते हैं, मम्मी को बुलाए हैं दोनों लोग, हमसे अकेले नहीं उठेगा रजाई है देख सकते हैं तो भीग जाएगा, इसलिए सोचे बुला के ये लगा देते हैं फटाक से, फिर चलते हैं। मानसी पापा गए हैं काम से, वहाँ पर मम्मी का कुछ काम है मेरी सासू माँ का, तो इसलिए गोपाल सुबह से ही गए हैं, 3-4 दिन में इसी में भाग दौड़ कर रहे हैं वो। तो चलिए हम तब तक पेड़ लगा के फिर हम भी जल्दी से जाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी मैं दवा मंगाई थी, चलिए खा लेते हैं इसको, मंगाई थी सोनू बाबू के पापा से, क्योंकि पूरा बॉडी कांप रहा है एकदम से, मतलब भरे सोते भी हो ना तो ऐसा आँख खुला रहता है, पूरा बॉडी सुन पड़ जाएगा, सबको देखूंगी सबको सुनूंगी पर बॉडी पूरा हिलेगा नहीं, पता नहीं कौन सा बीमारी है, फिर कमेंट में बताइएगा। और इसीलिए तो चलिए दवाई खा लेते हैं पहले।
दवाई खा के कभी भी बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ क्योंकि ना नटे में कहीं रुक जाएगा दवाई, इसलिए तो चलिए फटाक से बेड लगा लेती हूँ। और हम बहुत खुश है क्योंकि ज्योति भी आने वाली है, ज्योति दीदी क्या बोलूँ, हमको भाभी बोलती है, हम उनको भाभी बोलते हैं, तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पकड़ के इसको उठा के आधा तब पीटेंगे, देखिए निकली है, उठा ली ना तब मार ली तब निकाली, तो चलिए पीट पीट लेते हैं इसको अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी धीरे धीरे मार रहे हैं, तो इतना निकल रहा है, इतना ढेर निकल रहा है इसमें से गर्दा, इधर तो पीट लिए थे, इधर बहुत ज्यादा था, वो कोनवा पर मारी हुआ उजबा ढेर है, पूरा इधर से मार मार के लेके जा रहे हैं। तो चलिए इसको अच्छे से पीट के उसमें सबसे ज्यादा निकले क्योंकि वो नीचे रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं बेड लगा दिए हैं और ये पता नहीं क्या ऑयल गिर गया, मानसी के बाल में ज्यादा ऑयल लगाए थे ना वही सोई थी, इसको फोल्ड करके बिछाई थी यहाँ से देख सकते हैं, तो वही के साइज में लगा। और बेड वेड लगा लिए हम, झाड़ू वाड़ू लगा दिए, अब फटाक से बर्तन धो के और चले जाएंगे। और मानसी पापा अभी तक नहीं आए हैं, जब देख सकते हैं आंगन में भी झाड़ू लगा है। और आप सबको हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी हमको छिक छिक होने लगा, बेड लगाए थे तो हाई सूप छिके थे अभी। और ये हमारा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपना और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना आप सब ख्याल भी जरूर रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, टेक केयर, बाय।